जी हाँ, रिश्वत खोर बाबू लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा। मध्य प्रदेश में चाहे भ्रष्टाचार के लिए जितने भी नियम बना लिए जाएं, कानून बना लिए जाएं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है कहीं न कहीं पर वो खत्म होता नजर नहीं आता। जिसका जीता जागता नजारा जो है सीधी जिले के आदिवासी अंचल कुसमी में देखने को मिला, जहां पर मैं आपको बता दूं आंगनबाड़ी भर्ती के लिए श्रीमती रनिया देवी आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 2021 में आवेदन की थी, जिसको लेकर परियोजना अधिकारी के जो बाबू हैं कुसमी में पदस्थ, उनके द्वारा कहा गया, उनका नाम है एसके तिवारी, उनके द्वारा बताया गया कि परियोजना अधिकारी को जो है 25,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाकर आपकी नियुक्ति हो पाएगी। महिला ने पूरी रणनीति तैयार की और आदिवासी महिला थी, उन्होंने रणनीति तैयार के लोकायुक्त को इसकी शिकायत की गई। लोकायुक्त आज जो है लगभग 12 के आसपास में ये पैसे लेते हुए 25,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसके तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी समस्त कार्यवाही जो है सीधी के विश्राम गृह में की गई, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पूरा है क्या। आइए हम उनको सुनाते हैं आपको कि अधिकारियों ने क्या कहा, आप मेरे विजुअल में देख सकते हैं पूरी कार्रवाई चल भी रही है। सर, आज लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है आंगनबाड़ी के संबंध में, क्या पूरा मामला? ये शिकायतकर्ता हैं श्रीमती रनिया देवी आदिवासी, इन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती होने के लिए 2021 में आवेदन दिया था कुसमी परियोजना अधिकारी कार्यालय में। तब से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और इसने जब वहाँ पे मिलके बात की तो इनके जो परियोजना अधिकारी के बाबू हैं श्री एस के तिवारी, इन्होंने कहा कि जब तक परियोजना अधिकारी को 25,000 रुपये रिश्वत नहीं दोगी तुम्हारी भर्ती नहीं होगी। और जब इसने बोल दिया कि हाँ मैं देने को तैयार हूँ तो बोल दी कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा, आदेश निकल जाएगा। तो ये आज 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए बाबू श्री एस के तिवारी को रंगे हाथों ट्रेप कुसमी में किया गया। किस किस धाराओं के तहत कार्रवाई की? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही। आपने सुना कि अधिकारियों ने क्या कहा, लेकिन कहीं न कहीं पे ये रिश्वतखोरी का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई न कोई लोकायुक्त के ट्रैप में आता है लेकिन वो बरी हो जाता है। इस पे कहीं न कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।